यार आप सबने अंधाधुन तो देखी ही होगी या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी से इसके बारे में एक बार तो सुना ही होगा, बिकॉज ये मूवी थी ही एक मास्टरपीस। जहां इस मूवी में एक सिंगल कैरेक्टर की भी नीयत ठीक नहीं होती, फिर भी ये मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और गूजबम्स देने वाली लगी थी। और आज उसी मूवी के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की लेटेस्ट मूवी में थिएटर्स में देख के आया हूं। तो क्या ये उनकी लेटेस्ट मूवी अंधाधुन वाले मैजिक को रिक्रिएट कर पाती है या फिर ये मूवी उससे भी डबल मजा आपको दे सकती है, चलिए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्टारिंग विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की नई मूवी मैरी क्रिसमस के बारे में। देखो भाई लोगों, मूवी का थीम श्रीराम राघवन के स्टाइल में ही आपको देखने को मिलने वाला है, जहां मूवी अपने साथ थ्रिल और डार्क कॉमेडी लाती है। बाकी बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो कहानी चालू होती है क्रिसमस की नाइट को, जहां दो स्ट्रेंजर अचानक से मिलते हैं, देन उनमें बातचीत होती है और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है, जहां ये पूरा सिलसिला आपको फर्स्ट हाफ तक देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये समझना है कि इतने लंबे टाइम तक बातों को सुन के क्या ही मजा आएगा, भाई लोगों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों ही एक्टर्स की कन्वर्सेशन इतनी डीप और इंटरेस्टिंग वे में डायरेक्टर साहब ने हमारे सामने रखी है ना, कि इनकी हर एक बात सीधा दिल पे लगती है। और जिस तरह से ये अपनी बातों ही बातों में एक दूसरे को टीज करते हैं ना, उसे देखने में भी बहुत मजा आता है। अब इस मजे मजे में अगर आप इनकी बातों को ध्यान से सुनो और उसके अंदर के मीनिंग को पहचान लो, तो भाई मूवी आपके पैसे वहीं वसूल करवा देगी। बिकॉज हम इनकी बातों से ही कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, जहां वो बातें काफी क्यूट भी लगती है और हमारे मन को भी आराम से छू जाती हैं। और इतना ही नहीं, मूवी में कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति का एक वियर्ड बट प्यारा सा डांस भी हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही एक्टर्स की केमिस्ट्री हमें एक्सप्लेन कर जाता है। लेकिन दिमाग को घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट चालू होता है मूवी के सेकंड हाफ में, जिसमें कैमियोज जैसे संजय कपूर और राधिका आप्टे के साथ मूवी अपनी स्पीड पकड़ती है कि साला इतनी प्यारी मूवी अचानक से इतने डेंजरस साइड में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि सेकंड हाफ में भी बातें ही ज्यादा होती है, लेकिन उन बातों में जो सीक्रेट्स रिवील होते हैं ना भाई, यू टोटली मेल्ट ऑन द स्टोरी एंड यू ऑल्सो लव इट। और इस बेहतरीन स्टोरी बिल्डअप में जो एफर्ट मूवी के एक्टर्स ने मारे हैं ना भाई, हर एक बंदा लिटरली अपने रोल में घुस चुका था। इवन छोटे छोटे साइड कैरेक्टर्स ने भी काफी लाजवाब काम किया है कि मूवी आपको कहीं पे भी फेक फील नहीं होती, पूरी प्योर सिनेमा वाइब्स देने वाली है ये मूवी आपको। ऑल द मूवी 2.5 घंटे की है, लेकिन आपको कहीं पे भी बोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देती, इतनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग है इसकी। अब कंपेयर करना हो श्रीराम राघवन की पिछली मूवी से, तो ये मूवी उनसे बढ़कर तो नहीं है, लेकिन उनकी पिछली मूवी से ये कम भी नहीं है, क्योंकि अदर प्लस पॉइंट आ जाता है इस मूवी के पास। बाकी मूवी के बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है, बस एक दो किसिंग सीन है जो कि यूजुअली आपको आजकल हर एक मूवी में देखने को मिल जाता है, तो ये मूवी फैमिली के साथ देखने टाइप का मटेरियल भी आराम से है। बाकी बात करूं मेरी, तो बहुत टाइम बाद किसी मूवी को देखते टाइम दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं, सो मूवी मेरे लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और मिस्ट्रीज से भरी पड़ी थी एंड आई रियली रियली लव दिस मूवी। अब इस वीडियो में आपको कुछ लविंग लगा हो या मूवी को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले रिव्यू वीडियो में, बाय।